आपने रात को आसमान में कभी ना कभी एक व्हाइट लाइट की स्ट्रीम या यूं कहे तो एक सफेद प्रकाश की लकीर जरूर देखी होगी, जिसे हम टूटता हुआ तारा या फॉलिंग स्टार कहते हैं। लेकिन अगर आप साइंस की थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखते हैं तो आपको ये बखूबी मालूम होगा कि किसी तारे का टूट कर धरती पर गिर जाना असंभव घटना है। तो क्या है फिर टूटते हुए तारे के पीछे का रहस्य? तो आज की हमारी इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि किसी तारे का टूटना या फॉलिंग स्टार के पीछे का राज क्या है, और वीडियो के अंत में मैं आपको इससे जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं। से पहले यही माना जाता था कि ये तारे ही हैं जो टूट टूट कर हमारी धरती पर गिर रहे हैं, लेकिन 1801 के बाद कहानी बदल गई। अब वैज्ञानिकों को समझ में आ चुका था कि ये जो व्हाइट लाइट की स्ट्रीम हमें दिखाई देती है, ये किसी तारे का टूटना नहीं है, बल्कि कुछ एस्ट्रॉइड्स या क्षुद्र ग्रह हैं जो हमारे ब्रह्मांड से हमारी पृथ्वी पर आकर गिर रहे हैं। लेकिन अब भी ये बात उन वैज्ञानिकों की समझ से बाहर थी कि ऐसा होता क्यों है। बाद में जब इंसान ने विज्ञान को थोड़ा और समझा तो ऐसे हबल टेलीस्कोप बना लिए जिनकी मदद से हम इस ब्रह्मांड में कई दूर की वस्तुओं को भी देख सकते थे। इन्हीं हबल टेलीस्कोप की मदद से इंसान ने यह देखा कि केवल ग्रह और उपग्रह ही नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इनका वैज्ञानिकों ने नाम एस्ट्रॉइड या क्षुद्र ग्रह रखा। और जब ये एस्ट्रॉइड्स सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो कई बार तो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और कई बार आपस में टकराकर छोटे छोटे मीटियोराइट्स में बदल जाते हैं। और जब कभी पृथ्वी ऐसे रास्ते से गुजरती है जहां इन मीटियोराइट्स की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इनमें से कुछ को पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी ओर खींच लेती है। और जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल के घर्षण या फ्रिक्शन के कारण जलने लगते हैं, जिससे एक व्हाइट लाइट की स्ट्रीम बन जाती है, जिसे हम टूटता हुआ तारा या फॉलिंग स्टार कहते हैं। इनमें से ज्यादातर तो जलकर हवा में ही राख हो जाते हैं, लेकिन बहुत कम एस्ट्रॉइड ऐसे होते हैं जो पृथ्वी के सतह तक पहुंच जाते हैं। अब बात करते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। आपको इस बारे में क्या लगता है कि हमारी धरती पर 24 घंटे में कितने मीटियोराइट्स आकर गिरते होंगे? 1000, 2000 या इससे ज्यादा? लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी धरती पर 24 घंटे में लगभग 2 करोड़ मीटियोराइट्स आकर गिरते हैं, और इन प्रत्येक उल्कापिंड की लगभग एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर सेकंड होती है। अगर आप इन चीजों पर ज्यादा नोटिस करोगे तो आपको एक चीज और आश्चर्य में डाल देगी कि बहुत सारे उल्कापिंड अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और जनवरी के महीने में गिरते हैं, क्योंकि इस समय पृथ्वी सूर्य के ऐसे रास्ते से चक्कर काट रही होती है जहां पर इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। इनमें एक और बात आश्चर्य में डालने वाली है कि ज्यादातर उल्कापिंड रूस के साइबेरिया क्षेत्र के आसपास ही गिरते हैं। अगर आपको ये लगता है कि ज्यादातर तो उल्कापिंड हवा में ही नष्ट हो जाते हैं, इसके कारण ये पृथ्वी की सतह को नुकसान नहीं पहुंचाते, तो आप इस गलत सोच रहे हैं, क्योंकि 1908 में रूस के साइबेरिया क्षेत्र में एक उल्कापिंड ना जाने कितने लोगों की जान का कारण बना था। इसके बारे में आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। और इन्हीं उल्कापिंडों के कारण पृथ्वी का वजन लगभग 10 लाख किलोग्राम हर दिन बढ़ रहा है।